ये वाजिब है कि अपने गुनाहों को लोगों से छुपाया जाए, और इसकी तशहीर करना अपने गुनाहों की ये बदकारियों और गुनाहों को मजीद बढ़ाता है। बहुत सारे ड्रामे आजकल इस मौजू पर हो रहे हैं, बहुत सारे टॉक शोज आ रहे हैं इन मौजूआत पर, जिनमें जराइम की तशहीर की जा रही। मैं उन प्रोग्राम्स का नाम नहीं लूंगा, आप मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं जो टीवी पर आते हैं, कि जिसमें मुख्तलिफ जराइम को पिक्चराइज करके दिखाया जाता है। मुसलसल तकरीबन हर चैनल इस किस्म के प्रोग्राम चला रहा है। आप खुद बताइए कि जब से प्रोग्राम भी चलना शुरू हुए हैं, वो कहते हैं हम ये माशरे के जो डार्क एस्पेक्ट्स हैं उनको बता रहे हैं कि देखिए सब कुछ हो रहा है, इससे गुनाह माशरे के अंदर या जराइम माशरे में कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। वजह इसकी ये है कि इन गुनाहों के इजहार से लोगों के दिलों में अल्लाह की अजमत घटती चली जाती। ये गुनाहों के अंदर एक खासियत, जितनी गुनाहों की तरवीज होगी, तशहीर होगी, परवरदिगार की अजमत लोगों की निगाहों में कम होगी। और इस किस्म के जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं टीवी पर और टीवी टॉक शोज में आकर बहुत सारे अदाकार, गुलूकार और कौन कौन से अफराद जो उसमें बैठे होते हैं, आकर वो अपने गुनाहों को, अपने मुआशिकों को फखरिया तौर पर आकर बता रहे होते हैं और कहते हैं मैं कोई मुनाफिक नहीं हूं, देखिए जो साफ बात है मैं बता रहा हूं, मैं कोई मुनाफिक नहीं हूं, देखिए मैं नमाज नहीं पढ़ता, साफ बात है, लेकिन मैं मसलन मखलूक खुदा की फला खिदमत करता हूं। और ये कि जब मैं छोटा हुआ करता था और जवान होते थे तो हम लोग जिस तरह से फिल्में देखने जाते तो हमारे अब्बा खूब हमारी पिटाई वगैरह लगाया करते थे, और इस तरह से अपने वो तमाम चीजें वो अच्छाई बनाकर पेश की जाती जैसे वो बड़ा काबिल फख्र बात थी। तो गुनाहों की तशहीर इस तरह से करना और ये सोचकर करना कि ये तो जनाब हमने बहुत ही बड़ा अच्छा कोई काम कर रहे हैं अपने, हम कोई भी चीज लोगों से छुपा नहीं रहे, हमारे अंदर कोई मुनाफिकत नहीं, ये तलबीस है इबलीस है, ये छुपा हुआ उसका एक हथियार है जिससे वो लोगों को निशाना बनाता है। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि आप इसको ख्याल रखें इस बात का कि इस किस्म के टॉक शोज़ का मकसद ही ये होता है। और पैगंबर इस्लाम ने तो ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाई है कि मेरी उम्मत के तमाम लोगों को माफ़ कर दिया जाएगा, मगर जो खुल्लम खुल्ला और अलानिया गुनाह करने वाले हैं इनको माफ़ नहीं किया जाएगा। बेपर्दगी अलानिया गुनाह, खुल्लम खुल्ला गुनाह, मिक्स गैदरिंग वगैरह ये खुल्लम खुल्ला गुनाह है जिसके अंदर हराम चीज़ें होती हैं, दाढ़ी मुड़ना ये खुल्लम खुल्ला अपने गुनाह को जाहिर करना, या कितने ऐसे ड्रामे वगैरह आजकल आ रहे हैं फिस्को फजूर, कितने नए नए चैनल्स खुलते जा रहे हैं जो फहाशी और उरियानी पर मुश्तमिल ड्रामों को जो है मुस्तकिल पेश कर रहे हैं, जिसके अंदर ही खासतौर पर आजकल ये टर्किश ड्रामे वगैरह आने शुरू हुए। इन ड्रामों के अंदर आप हमेशा देखेंगे कि इनमें फोकस इस बात को किया जाता है कि जो परवरदिगार आलम ने जो रिश्ते लोगों के दरमियान कायम किए हैं उनमें हमेशा लड़ाई झगड़ा और फसाद रहेगा, और कोई तीसरा जो नामहरम है वो बहुत ज़्यादा मुखलिस, बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाला, वो उसके अंदर पेश किया जाता है। तो शोहर और बीवियों में आपस में जुदाई डालना इसका मकसद होता है। आप देखिए कभी भी औलाद के वालिदैन के साथ अच्छे ताल्लुकात इन ड्रामों में नहीं दिखाए जाते, वो हमेशा लड़ते रहेंगे, अपने वालिदैन को बुरा भला कहते रहेंगे, और जो हराम रिश्ते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा उल्फत और मोहब्बत के रिश्ते जो वो दिखाएंगे। ये खास तौर पर बड़ी उसके साथ चाबुक दस्ती के साथ इस मौजू पर काम हो रहा है, ये जो आप घंटों बैठकर ये ड्रामे बड़े शौक से देखती हैं उसके अंदर ये तमाम चीज़ें हैं। इसको रियलाइज करना चाहिए कि इस के खास मकसद है इन तमाम चीज़ों के पीछे।